शनिवार को श्री बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन के राष्ट्र सेवा योजना इकाई द्वारा ग्राम राल में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें किसान इंटर कॉलेज के प्रबंधक ठाकुर हरिओम सिंह एवं समाज सेवी पप्पू नेताजी द्वारा जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में NSS के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर किसान इंटर कॉलेज राल से जन जागरूकता रैली की शुरुआत की। NSS रैली का गाँव राल के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। NSS रैली ग्राम राल के मेन बाजार थोक बोझ मोहल्ला, थोकदा टू मोहल्ला, थोक कुबेरा मोहल्ला, होली मोहल्ला, ठाकुर मोहल्ला, गुजर मोहल्ला, सैनी गली आदि गांव में होकर निकाली गई। रैली में बेटी बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लीन रॉल ग्रीन रॉल, हम सब ने ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है, दो गज की दूरी मास्क जरूरी, एक पुत्र दास वृक्ष समान आदि नारे रैली में लगाए। सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकारी अधिकारी भारत उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्राम राल में 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान जन जागरूकता, वृक्षारोपण, स्वच्छता, रक्तदान एवं नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा स्थानीय लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम का संचालन BEd विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धीरज कौशिक ने किया। महाविद्यालय के डायरेक्टर नंद किशोर शर्मा, एडवोकेट प्राचार्य डॉक्टर अशोक कृष्ण शर्मा एवं शिक्षा निदेशक डॉक्टर रुचि खंडेलवाल ने बालक बालिकाओं को शुभकामनाएं देकर महाविद्यालय से रवाना किया। कार्यक्रम में ग्रामीण एवं अंगतुकों का पटका पहनकर भव्य स्वागत किया। प्रधान अध्यापक रेखा शर्मा एवं बिल्वेश अग्रवाल ने व्यवस्था संभाली। नमस्कार जी सर, आज राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या कार्यक्रम हुआ है? देखिए, मेरा नाम श्री भारत उपाध्याय, एडवोकेट, कार्यक्रम अधिकारी बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन के अंतर्गत आज राष्ट्रीय सेवा योजना NSS इकाई का विशेष शिविर प्रारंभ हुआ है, जिसमें ग्राम राल में आज एक जन जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली के अंतर्गत विद्यार्थियों ने स्थानीय ग्राम राल वासियों को जागृत किया है, सफाई के प्रति जागृत किया है, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के प्रति जागृत किया है, समाज सेवा के प्रति जागृत किया है और पूरे कस्बा वो पूरे गांव राल में एक जन जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसका स्थानीय लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है और पुष्प वर्षा कर हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं का स्वागत किया है और उनको द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलने का प्रयास किया है। सर, कितने लोग स्टूडेंट ने इस NSS में भाग लिया है? हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के इकाई में 100 विद्यार्थी होते हैं, तो हमारी पूरी यूनिट ने आज गांव राल में बड़े ज़ोरदार तरीके से रैली निकाली है। किसान इंटर कॉलेज में हमारा ठहराव है और वहीं से पूरा कार्यक्रम 7 दिन संचालित किया जाएगा। 7 दिन कैंप चलेगा सर? अच्छा, हाँ, NSS विशेष शिविर 7 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर विद्यार्थी सफाई अभियान, वृक्षारोपण, यातायात सुरक्षा आदि के माध्यमों से जागृत करते हैं। क्लासरूम से बाहर निकल करके विद्यार्थियों की पढ़ाई, समाज सेवा के माध्यम से पढ़ाई NSS का मुख्य उद्देश्य है। कब से स्टार्ट हुआ और उसकी लास्ट डेट क्या है सर? ये हमारा कैंप आज 26 तारीख फरवरी शनिवार से इसकी शुरुआत हुई है जन जागरूकता रैली से। अब प्रत्येक दिन कार्यक्रम होंगे और किसान इंटर कॉलेज राल में 4 फरवरी को सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ इसका भव्य रंगारंग समापन कार्यक्रम किसान इंटर कॉलेज राल में किया जाएगा।